हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर हम दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी मिलजुल कर बिता रहे हैं और मिलजुल कर गृहस्थी के कुछ काम जो है बांट कर कर रहे हैं। जैसे कि पति देव छील रहे हैं आलू और मैं काट रही हूँ प्याज और हरी मिर्च। मैंने उनको बोला था, मैंने उनको प्याज छील के दे दिया। मैंने कहा आप इसको काटो, आलू मैं छील लेती हूँ और मैश कर लूँगी। उन्होंने बोला कि मैं प्याज नहीं काट सकता क्योंकि आँखों में झाल लगती है, आंसू निकलते हैं, बहुत बुरी लगती है। तो वो कहने लगे प्याज तुम काटो। मैंने कहा ठीक है भैया, हम तो 12 सालों से रो ही रहे हैं, फिर रो लेंगे, कोई बात नहीं। आदत पड़ गई है क्योंकि अब तो नहीं इतना वो होता है, लेकिन वो है ना, आदत पड़ जाती है किसी भी चीज़ की। तो बस यहाँ पर जो है मैं प्याज और हरी मिर्च को कट कर लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे। जी, बारिश का मौसम हो और आलू के पराठे, कचौड़ी या फिर पनीर के पराठे या फिर जो भी मिल रहा है सीज़न में उसके पराठे बनाएं तो अच्छा लगता है, खाने में भी और खिलाने में भी। और घर में आलू के पराठे लगभग सभी को पसंद भी हैं और मुझे लगता है आलू के पराठे एक ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिसको आलू का पराठा ना पसंद हो। अगर आप में से किसी को ना पसंद हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं आलू मैश करने लगी हूँ अब, तो मैं पराठे बनाने लग गई हूँ। पंखा बंद कर दिया है अभी, मैंने कहा फटाफट बना लेते हैं, 9 बज गए होंगे, 9:15 तो हो ही गया होगा, क्या पता 9:30 हो रहा हो। मैंने टाइम भी देखा, मैं देखती हूँ टाइम, हाँ 9:30 बजने वाले हैं, 9:25 हो रहे हैं। बच्चों को भूख लग रही है और फिर उनको तो पसंद है आम के पराठे बहुत ज़्यादा, तो फिर और भी ज़्यादा बच्चों को भूख लगती है। बट झटपट बन जाएंगे, कोई देर नहीं है। चाय बनानी नहीं है, इनको दूध के साथ दे दूंगी, बच्चे मक्खन के साथ लेंगे। मेरे को शौक है चाय का, पर यार अभी बर्तन नहीं मानने की हिम्मत ना, बोल रहे मैं कर दूंगा तो मैं नहीं। अब वैसे भी रात को क्या चाय पीऊंगी, दूध से मैं खाती हूँ। थोड़ी सी बनाई तेरे लिए, मक्खन के साथ। चाय होती तो मज़ा आ जाता, बट कोई बात नहीं, बिना चाय के मक्खन के साथ खाते हैं। आप लोग भी खाओ, अच्छा बना है। इससे पहले मुझे एक बाइट विपिन अपने में से खिला चुके हैं। हल्का सा नमक कम लग रहा है मुझे आलू में, क्योंकि मैं आटे में भी नहीं डालती हूँ तो फिर हल्का सा कम लग रहा है। तो यहाँ पे खाट आ गई है, टीवी की आवाज़ देखो कितनी तेज करके रखते हैं। तो क्योंकि 3 बंदे भैया नहीं आ पाते हैं बेड पे, ओ सॉरी 4 बंदे, 3 भी कई बार वो हो जाते हैं जब तन्मय जैसे हाथ पैर, मतलब तन्मय तो ऐसे हो जाता है, लेटते ऐसे हैं, तन्मय ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है खाट बिछ गई है, एक जना यहाँ पे सोएगा जो कि अधिकतर गुड्डू या मैं सोते हैं, या तो मैं सोती हूँ या गुड्डू सोती है। विपिन को खाट पे दर्द होता है, हैं दर्द होता है तो फिर सोते क्यों नहीं हो। एक बार जब सोए तो बोल रहे मेरी तो कमर दुख गई, अब नहीं सोऊंगा, ये वो। तो अभी ना सामान वगैरह नहीं रखा है, वो बाद में रखेंगे जब बिल्कुल सेटिंग होगी 2-4 दिन बाद। और यार टीवी की आवाज़ कितनी कम की हुई। अब निकालते हैं, कुछ खाते हैं, आइसक्रीम लेकर आए थे तो आइसक्रीम खाते हैं। क्या बोल रही थी गुड्डू,
फलूदा क्यों? अरे बाबा वो खुल ही नहीं रहा। कैसी है देखते हैं, कह रहा था तो खा भी ली। सही है। अरे वाह आधी चॉकलेट, मुझे तो चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट देना। मुझे क्या पता, हमने खोल के कब देखी थी, झूठ। डबल खाने लिखा हो बाहर। डबल मतलब ऐसे थोड़ी था कि डबल डबल होगा। डबल डबल संडे, डबल संडे बनाओ। जिनको चोको ऑलमंड पसंद है और जिनको केसर बादाम पसंद है, तो हमको तो चोको पसंद है। मैं आइसक्रीम, मुझे सिर्फ चॉकलेट ही पसंद है, बाकी मैं खा लेती हूँ, लेकिन चॉकलेट वाली मेरी को बहुत ज़्यादा पसंद है। कोन मिल जाए तो बात ही क्या है। चश्मा दे दो, वो चम्मच दे दो, आप दूसरी ले लो, तो आप लोग भी खाओ। तो चलिए हम तो खाते हैं आइसक्रीम। और तन्मय को दूध दिया था अभी, तन्मय और गुड्डू को, विपिन ने पराठे के साथ दूध दे लिया था, तो इस वजह से विपिन हमने आ जाओ इधर आ जाओ यार, थोड़ा सा मेरा एडिटिंग का काम है मैं कर लूं, फिर सुबह नहीं हो पाता मुझसे। ताला वगैरह तो लगा दो, ताला वगैरह लगा दिया, चैनल का भी लगा दिया। ये देखो 11 बजने वाले हैं, नहीं बजने मेरे फोन में तो अभी नहीं बजे। अरे बाबा मेरे फोन में तो 10:22 हो रहे हैं, 10:52 हो रहे हैं। गाड़ी भी अध बीच में खड़ी होती है अब हमारी इस तरीके से, क्योंकि इधर काफ़ी सारा सामान है इस बरामदे में, तो वो इधर तक नहीं आ पाती है, वहीं रुकी रहती है। ओह भैया आइसक्रीम खाते हैं चॉकलेट वाली, मज़े ले लेके खाऊंगी मैं तो। अंदर चलती बच्चों को चिड़ा चिड़ा के खाती क्योंकि उन्होंने अपनी खा ली ना इसलिए। मॉर्निंग, अगला दिन है, सुबह का टाइम है और पंखा बहुत ही कम चलाना पड़ रहा है, मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल भी तेज नहीं चला रहे हैं। और विपिन आए हैं ब्रेड लेके, क्योंकि रात आलू के पराठे बने थे। अगर हमारे घर में आलू के पराठे बने हैं तो मैं आलू एक्स्ट्रा ही उबालती हूँ, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं उनको सैंडविच बहुत पसंद है ब्रेड में आलू भर के, या फिर सूखी सब्जी भी बच जाए तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं। तन्मय तो खास तौर से वो सैंडविच का पागल है, मतलब वो अगर सब्जी बनेगी जैसे आलू बैंगन, आलू बीन्स, आलू गोभी, वो बोलेगा मम्मी शाम को ना इससे मुझे वो बना के देना, सैंडविच बना के देना, चीज़ स्लाइस वगैरह, तो वो बनाऊंगी। अब उसको उसको लगी पड़ी है, देखो खुद भी गया था अपने पापा के साथ, ब्रेड ले आया। तन्मय को बोल रही हूँ, मैं कहा ब्रेड ले आया, क्या खाए, क्या खाएगा, क्या खाएगा, रहने दे थोड़ी बहुत देर में खा लेना। मुंह से बोल, मुंह से सैंडविच रहने दे, मैं बनाऊं कि पापा बनाएंगे, पापा ही बनाएंगे, मेरे हाथ के क्यों नहीं खाने, जला दूंगी। एक बार हुए थी और मैंने इसीलिए तो जलाए थे ताकि तू पापा से बनवाए, तो मेरे बच्चे सैंडविच मुझसे नहीं बनवाते हैं कि आप जला दोगे, और चावल जो बन जाते हैं उसकी खिचड़ी मुझसे नहीं बनवाते हैं कि पापा अच्छी बनाते हैं, आप गंदी बनाते हो। मैंने कहा इसीलिए तो बना के दी थी गंदी, ताकि तुम पापा से बनवाओ। नहीं होता है कभी कभी टेस्ट ना, हमें किसी के हाथ से कुछ टेस्ट अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है। मैं कहा ठीक है भैया बनवाओ अपने पापा से। तो अभी जो है मैं नहाने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। और जो ये विपिन सैंडविच बना रहे हैं, और तन्मय बड़ा खुश है कि मम्मी गैस वहीं रखना, मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, यहाँ बीच में रुककर मैं इस वीडियो में ये वीडियो ऐड कर रही हूँ। मैंने आज के कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत सारे कमेंट्स कल भी आए थे, ढोसा नहीं बोलते हैं, ढोसा बोलते हैं, ये वो लिख कर बताया बहुत सारे लोगों ने। देखिए वो सब चीज़ें मैंने एक्सेप्ट की, क्योंकि मैंने गलत बोला था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। गलत चीज़ को सही करना कोई गंदी बात नहीं है, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी किया, ओके लिखा मैंने, जो कि बहुत ही आराम से लिखा, ऐसा नहीं है मैंने गुस्से में लिखा ये वो। लेकिन देखिए कई बार क्या होती है कि थोड़ा सा सामने वाला थोड़ा सा गलत बोल देता है, तो उससे होती है थोड़ी सी दिक्कत, बुरा लगता है। अभी मेरी दीवार चेंज नहीं हुई है, ये देखिए अभी ये दीवार यही है। खुद विपिन ने जब कमेंट्स पढ़े तो उन्होंने खुद बोला कि यार मुझे चेंज करवाना है, क्योंकि 80% लोगों का यही कहना था कि हाँ चेंज करा लो।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं चेंज करवाऊँगा, चेंज करवाना है उन्हें, ठीक है। उन्होंने, उनका खुद का डिसीज़न था, उन्होंने जब ये करवाया था मुझे पता था पेंट होना है, बस मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा डिज़ाइन होना है, कौन सा कलर हो रहा है। मैं लेटी हुई थी उस वक्त, अंदर कमरे में सो रही थी, और जब मेरे घर पे कोई भी काम लगता है मैं किसी भी मिस्त्री भैया के सर पर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी कॉमेंट्स थे कि रश्मि ध्यान रखा करो, चेक किया करो। अब मुझे अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा जाके खड़े होना, बार बार देखना पूछना, मुझे तो ये है भैया पैसे दे रहे हैं, जब हम किसी को पैसे देने में नहीं तंग करते हैं तो शायद चीज़ अच्छी करें। नहीं लगा, अभी ठीक है, ठीक लग रहा है, लाइट तेज है, लेकिन अभी खुद विपिन चाहते हैं कि वाइट ही हो, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है उनको, एक दो लोगों ने भी बोला है, कुछ उन्होंने कमेंट्स भी पढ़े हैं। तो जो देखिए इस तरह के कमेंट्स आप करते हैं, जो कि हमेशा अच्छे ही होते हैं, इनके कमेंट्स हमेशा ये मुझे एडवाइस ही देती हैं, लेकिन आज मुझे बड़ी हैरानी हुई। इन्होंने लिखा कैसी हो रही है खा खा कर गलहड़ू सी, गलहेड़ू पता नहीं क्या लिखा है, अपने आदमी की घर में बिल्कुल नहीं चलने देती ये लुगाई। मतलब लैंग्वेज देखिए आप, ये देखिए, अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए, ये देखिए, आप खुद पढ़ लीजिए, खुद देख लीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ है। इनके कमेंट्स आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार देखे होंगे, हमेशा ठीक ही होते हैं, अच्छे होते हैं, नेगेटिव कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन आज जब इनकी ये लैंग्वेज देखी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। इसीलिए ये बात मैं आपसे इस वीडियो को बीच में रोककर कर रही हूँ, जो कि वो वीडियो परसों का है, इसमें मैंने ये क्लिप ऐड की है। और इन्होंने यहाँ लिखा है डोसा खा लिया था आपने कल, उस बेचारे बेटे को परेशान करके रख दिया आपने, शर्म कर लो थोड़ी सी। बाय द वे वो ढोंसा नहीं ढोंसा होता है, ठीक है। स्पेलिंग मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की पता है कि इसको DOSA कहते हैं, लेकिन ढोंसा निकलता है, ठीक है, चलिए वो भी कोई बात नहीं, बेचारे वेटर को परेशान कर दिया। देखिए पैसे देते हैं तो सभी दुकान पर जाते हैं और परेशान सभी करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, परेशान क्या किया, यही तो पूछा। आप, अब हम कहीं पहली बार जाकर खा रहे हैं तो हम उनको ही बोलेंगे यार तुम ही बता दो कौन सी चीज़ अच्छी है, हम वही ऑर्डर कर देंगे, पैसे भी तो दे रहे हैं ना परेशान, और उनकी वो ड्यूटी है उस चीज़ के, वो भी अपने मालिक से पैसे ले रहे हैं, तो उसमें कोई, मैं भी काम करती हूँ, बिज़नेस करती हूँ, मेरे हस्बैंड के भी बिज़नेस हैं, हमें भी लोग आकर ऐसे कर पूछते हैं, तो वो उनका हक है, जो दो पैसे देगा तो वो अपने पैसे वसूल तो करेगा ही ना, तो इसमें तो कुछ मैंने गलत नहीं किया कि मैंने परेशान कर दिया, शर्म करूँ, ये हूँ वो हूँ, मतलब इतना अजीब सा वर्ड जो मुझे लेते हुए वो हो रहा है लुगाए, मतलब कितना अजीब सा वर्ड आपने यूज़ किया है सविता जी सच में। और एक और करती हैं ये, आखिर अपनी ही चलाओगी तुम रश्मि, बेचारे विपिन ने जो अपनी पसंद से कलर कराया था उसे नहीं रहने दोगी, वह ही कि वह वहाँ कि वह वहाँ वाप क्या प्यार है, वैसे तो बहुत विपिन विपिन करती हो तुम। देखिए कुछ चीज़ें मेरी होती हैं जो विपिन को नहीं पसंद होती हैं वो मुझे बोलते हैं, बस इतना है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, विपिन व्लॉग में बहुत ही कम आते हैं, चुप चुप से आते हैं, वो नहीं बताते हैं। हाँ जी कुछ आप बोलना चाहेंगे, अभी फ़ोन में लग रहे हैं, सुन रहे हैं, तंग कर रखा है आपको, तंग कर रखा है। नहीं थोड़ी सी मुझे वो लैंग्वेज पढ़ के हुआ था ना, ये वाला जो था ये पढ़ के हुआ था, थोड़ी सी हैरानी इस चीज़ पे इसलिए हुई, वो भी इसलिए हुई, कोई और करता तो शायद मैं ब्लॉक कर देती या कमेंट डिलीट कर देती अगर पहली बार किसी का देखती। अब जो बंदा रोज हमें अच्छे कमेंट्स करता है, अच्छे मतलब ये नहीं कि मुझे सिर्फ तारीफ सुननी है, रश्मि अच्छी है, रश्मि ये नहीं, अगर आप मुझे बोल रहे हो रश्मि तुम ये दुपट्टा क्यों, एक दुपट्टे के ऊपर भी तो था, बहुत सारे लोग बोलते थे रश्मि ये दुपट्टा मत उड़ो अच्छा नहीं लगता है चेंज करो, मैंने किया ना तो वो भी मुझे लोगों के कमेंट्स अच्छे लगते थे, अब लोग वह क्या औरत है बदतमीज दुपट्टा ये ओढ़ती है, तो तरीका होता है, वो आपकी मर्जी आप किस तरीके से वो करना चाहते हैं। बाकी मैंने पढ़ा, मैंने डिलीट भी नहीं किया इसीलिए क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उनके इस तरह के कमेंट्स से उनकी लैंग्वेज मुझे बहुत अजीब लगी, चलो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने बीच में एक क्लिप यहाँ पे ऐड किया है। तन में अब गैस अंदर रख लेते हैं, नहीं मॉडलर किचन है ये, अच्छा तुझे कहाँ से ये बातें पता चलती हैं, ब्रेन से और टीवी से। ये मत लगाओ यार, पास्ता सॉस मत लगाओ, पास्ता सॉस ही लगेगा वो मेरा फेवरेट है, चीज वगैरह तो है ही नहीं, कर दूं क्रश। तो विपिन जब सैंडविच बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, ये जो आलू है ये वाले रहने देना,
ये रहने देना बिना प्याज के। इसके लिए पहले विपिन आलू को तवे पे फ्राई करते हैं जितने भी उन्हें चाहिए उतने, फिर उसके बाद सैंडविच बनाते हैं। तो चलिए मैं जाती हूँ नहाने के लिए और यहाँ पे ये सैंडविच बना ही रहे हैं, चाय मैंने बना दी थी। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आप सबसे। बाय बाय, कल मिलते।